श्री गिरधर अरमने, डिफेंस सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह, डायरेक्टर जनरल एनसीसी, श्रीमती दीप्ति बोहिल चावला, एडिशनल सेक्रेटरी रक्षा मंत्रालय और एनसीसी के सारे सीनियर ऑफिशियल्स, समस्त भारत से आए मेरे प्यारे एनसीसी के कैडेट्स, देवियों व सज्जनों, आज इस नेशनल कैडेट कोर द्वारा आयोजित रिपब्लिक डे कैंप में आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और इस बार जो मैंने परफॉर्मेंस देखा है, चाहे फील्ड में और यहां पर, यदि मुझे सिंगल वर्ड एप्रिसिएशन यदि देना हो तो मैं कह सकता हूं एक्सलेंट परफॉर्मेंस के बारे में। मैं इसके पहले भी एनसीसी हेडक्वार्टर्स में आ चुका हूं और आप लोगों की ड्रिल और कल्चरल प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंस पहले भी हमने देखी है। आप लोगों को देखकर यह लगता है कि पूरा भारत इस ऑडिटोरियम में सामने खड़ा हो गया है, और एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं पर आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं परंतु रूट्स एक हैं। आप लोग भारत देश के 17 अलग अलग डायरेक्टरेट से यहां पर आए हुए हैं, पर उन 17 डायरेक्टरेट्स के बहाने में इस हाल में अनेक क्षेत्र, अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृतियां, अनेक रीति रिवाज भी देख रहा हूं। मेरे युवा साथियों, आप लोगों को देखकर एक बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एनसीसी अब तक आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज पैदा कर चुकी है जो आपको एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनाने में सहायक होती है। इसने आपके अंदर एक लीडर, एक सोल्जर, एक आर्टिस्ट और इन सबसे ऊपर एक अच्छे इंसान के गुण पैदा किए हैं जो मैं अपनी आंखों से साफ देख सकता हूं। मेरे प्यारे कैडेट्स, यहां मिलने वाली सीख जैसे एकता, अनुशासन, सत्यपरायणता, साहस, सद्भाव, बंधुत्व और नेतृत्व जैसे गुण हमेशा से हमारे देश में यह मार्गदर्शक गुण रहे हैं, और इनके साथ साथ मैं समझता हूं कि एनसीसी आपके भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण गुण डेवलप करती है वह है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और समर्पण। मेरे साथियों, एनसीसी ने, मैं समझता हूं कि अब तक आपकी बुनियाद इतनी मजबूत बना दी है कि उस पर आप सफलता की कितनी भी विशाल इमारत खड़ी कर सकते हैं। आप जितनी भी महान विभूतियों को देखेंगे, आप पाएंगे कि दुनिया प्रायः उन्हीं गुणों के कारण जानती है जिनको उन्होंने अपने अंदर छोटी आयु तक विकसित कर लिया था। नेशनल कैडेट कोर का उद्देश्य भी यही है कि वह आपके अंदर उन विभूतियों के गुणों को विकसित करे जिससे आप स्वयं तो अपनी राह निर्मित कर ही सकें, साथ ही समाज को भी एक नई दिशा दे सकें। इसलिए आपको अब तक जितनी भी सीखें यहां पर मिली हैं उन्हें अपने जीवन में अच्छी तरह उतारना है और धीरे धीरे उन्हें और अधिक आगे विकसित करना है।